Hey guys, welcome back to our channel. This is Meghna and I am Ninad and we are live from Andamans. दोस्तों जैसे कि हमारे पिछले वीडियो में हमने आपको दिखाया था 7-day itinerary plan for Andaman tour और हमारा day 1 in the Port Bliss city. हम travel कर रहे हैं with Kesari Tours and इनके itinerary में सारे tourist attractions in Andamans are covered. तो चलो दोस्तों इस वीडियो में हम चलते हैं चथम सॉमिल विच इज द एशियाज लार्जेस्ट सॉमिल. यहाँ पर हमें बहुत ही डिलीशियस बुफे ब्रेकफास्ट सर्व किया गया था. उसके बाद सारे बैग्स यहाँ से चेकआउट करके हैवलॉक क्रूज के लिए लोड करे जाएंगे. यहाँ पर हमें लाइट वेट लगेज कैरी करने बोला था सो दैट क्रूज ट्रांसफर्स कैन बी ईजी. टूर के एंड में आप वापस से पोर्ट ब्लेयर से ही अपना फ्लाइट बोर्ड करोगे, इसीलिए आपका सामान आप कुछ पोर्ट ब्लेयर में भी छोड़ सकते हो. पोर्ट ब्लेयर और चथम पहले दो आइलैंड्स थे, इन्हें कनेक्ट करा गया है विद दिस ब्रिज. चथम सॉमिल इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट सॉमिल्स इन एशिया. इसे एस्टेब्लिश किया गया था इन द ईयर 1883. चथम सॉमिल का टाइमिंग है फ्रॉम 8:30 AM टू 2:30 PM एंड इसका एंट्री फी है अराउंड 10 rupees पर पर्सन विद गाइड फी ऑफ 50 rupees. प्लीज नोट, चथम सॉमिल संडे और पब्लिक हॉलीडेज पे बंद होता है. केसरी टूर पैकेज में सारी जगहों के गाइड्स इंक्लूडेड थे. यहाँ पे बनाने का ब्रिटिश है का दो मेन रीजन था. एक था अंडमान पे जो काला पानी सजा काटने के लिए जो इंडियंस को ब्रिटिशर ले जाते थे ना यहाँ पे जेल रख में रखने के, वैसे लोगों को पनिशमेंट देना था और उनको इंगेज करना था, वो सारे चीज़ यहाँ पे काम करवाते थे. और सेकेंड चीज़ अंडमान पे बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी का पेड़ मिलता है. जैसे पूरा महाराष्ट्र में अपने सागवान का नाम सुना होगा ना, बहुत महंगा होगा, टीकवुड बहुत फेमस होती है. अंडमान पे सागवान से भी 4 times एक्सपेंसिव पेड़ मिलता है. उस पेड़ के नाम है पडॉक ट्री. पडॉक इज अ नेम ऑफ अ ट्री. वो एक पेड़ आज के टाइम पर वैल्यू होगा 6 लाख से लेकर 15 लाख का वैल्यू होगा. इसकी 1 क्यूबिक मीटर 98,500 rupees. वो पडॉक जो पेड़ है वो सागवान का ही काम करते थे, दोनों इक्वलेंट है. लेकिन पडॉक का बना जो आइटम्स होते हैं वो नियर अबाउट 3 into 350 years तक इंसेक्ट्स नहीं लगेगा, पानी में खराब नहीं होगा एंड इट ऐसा नेचुरल ग्लॉसी. और ब्रिटिशों का देखिए अपना देखिए आप एक न्यूज़ शायद आपने सुना होगा, 25-30 दिन पहले की बात है, इंग्लैंड की रानी का डेथ हो गया उसके. अब सुना होगा वो जहाँ रहते थे ना बकिंगम पैलेस, वो बकिंगम पैलेस 750 rooms का जो पैलेस है उसको जो उसको बर्थ है वो 40,000 crore का जो प्रॉपर्टी है उसको जो इंटेंसिव फर्नीचर है ना बकिंगम पैलेस का, वो भी अंडमान पडॉक से बना था. पहले टाइम पे अपने देखिए यहाँ पे जो रेलवे ट्रैक देख रहे हो वहाँ पे, ये जो कुछ रेलवे ट्रैक जैसे दिख रहे हैं, ये देखिए पहले टाइम पे 18th century से लेकर 19th century जब रेलवे ट्रैक में उधर का जो स्लीपर्स होते थे पता, वो भी अंडमान का पडॉक का इस्तेमाल करते थे. तो पडॉक मैं आपको वो क्या क्या यूसेज उसके बारे में आपको और डिटेल ही बताऊँगा. देखिए यहाँ पे ना पूरी अंडमान निकोबार फॉरेस्ट में 2137 टाइप की ट्रीज है, उनमें से कभी 24 टाइप का पेड़ का इस्तेमाल करते हैं. वो सारे 24 टाइप के पेड़ के नाम आपको उसके आगे मैं आपको एक संग्रहालय लेके जाऊँगा म्यूजियम, वहाँ पर पूरा डिटेल ही मैं आपको बताऊँगा. प्लस इस मिल पे ना और भी बहुत सारे हिस्टोरिकल पॉइंट है, वो मैं आपको एक एक करके कवर करते हुए चलूँगा. यहाँ पे इसको चालू करने का मैं आपको बताना सबसे मेन रीजन था पडॉक ट्रिप.
फडॉक ट्री के बारे में और भी डिटेल बता देता हूँ। उससे पहले ये कुछ फेमस ट्रीज है जो इस मिल पे मैं इस्तेमाल करते फॉर द कमर्शियल पर्पस। देखिए सारे के सारे जो पेड़ है ना वो सिर्फ फर्नीचर नहीं बनेगा, अलग अलग पेड़ की अलग अलग क्षमता होती है, उसके उसका हिसाब से उसका काम होता है। जैसे कि यहाँ पे कुछ पेड़ देखा ना, रेड जो वाइट जो प्लम्बोपति लिखा देख रहा ना, ये सारे जो पेड़ है इट कम्स अंडर सॉफ्टवुड कैटेगरी। इतना सॉफ्ट होगा ये आपको जो माचिस का जो तिल्लियाँ होती है ना वो इस पेड़ से बनता है। इसके अलावा अपने फ्रूट्स का वेजिटेबल का जो पैकिंग करता वाला बॉक्सेस देखे ना बहुत पतला सा होगा, वो इस पेड़ से बनता है। इसके अलावा यहाँ से कुछ पेड़ देखे ना, ब्लैक चिंगम टिंगम टॉम्पिन टिंगम कोको, ये सारा जो पेड़ है ये सी वाटर में कभी खराब नहीं होगा। इस सबसे बोट अशिप बिल्डिंग इससे बनता है। इसके अलावा अगर मान लीजिए आप कुछ आरएमएल के अंदर जाते हैं, पेड़ों को जब काटिंग है ना आप उसमें कटने का टाइम पे भूसा निकलता हुआ देख सकते हो ना, सॉ डस्ट निकलता है। जब ये महुआ गर्जन पेड़ काटने टाइम पे इससे जो निकलता वाला जो डस्ट है इसको लार्ज अमाउंट तो पहले कलेक्ट करते हैं, इसके बाद एक मशीन पर कंप्रेस करके सिंथेटिक गम डाल के चिपका देते हैं ना, वो प्लाईवुड बन जाते हैं। इंडिया पे 90% का जो प्लाईवुड बनता है इंडिया पे वो ये गर्जन पेड़ का प्लाईवुड डस्ट से बनता है। आपने बहुत सारे प्लाई का वहाँ पर गर्जन प्लाई भी लिखा हुआ देखा होगा। लेकिन ये पूरा डिटेल सर सागवान यानी टी कुछ अंदमान के सागवान से फोर टाइम्स एक्सपेंसिव है। फडॉक के शूट फडॉक की 1 क्यूबिक मीटर 98,500 प्लस 18% GST बहुत महंगा है। और ये थोड़ा अंदमान का डिटेल्स है। देखिए पूरे अंदमान पे अगर आप देखेंगे ना 572 आइलैंड है, 572 आइलैंड है, जिनमें से 37 आइलैंड पे खाली लोग रहते हैं। 37 पे 6 ऐसे आइलैंड है जहाँ पे लोग रहते तो हैं लेकिन कोई जा नहीं सकता 6 आइलैंड पे, क्योंकि वो 6 आइलैंडों पे ये 6 तक के आदिवासी लोग वहाँ रहते हैं। ये 6 तक के आदिवासी में से शायद अपने अंदमान के कुछ आदिवासी के बारे में नाम सुना होगा, एक के नाम है जारवास, दूसरे नाम है सेंटिनिस। सबसे पहले मैं आपको इनके बारे में बता दूँ, सेंटिनिस वो की ग्रुप है जिनका एक न्यूज़ बहुत वायरल हुआ। देखिए सुन, आज से 4 साल पहले 2018 नवंबर 18 तारीख को अंदमान के आदिवासी वाले ने एक अमेरिकन उनका एरिया के चले जाने की वजह से मार दिया करके एक न्यूज़ बहुत वायरल हुआ। वो ग्रुप के नाम है सेंटिनिस। ये जो सेंटिनिस जो लोग हैं ना इनका पॉपुलेशन देखिए 2014 तक इनका पॉपुलेशन था 15, आज के टाइम पे इनका पॉपुलेशन घट के हो गया 32 को हो गया। 1960s के टाइम इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया गवर्नमेंट आके उनके एरिया पे जब सर्वे किया था तब उनका पॉपुलेशन था अराउंड 12 to 13,000 का पॉपुलेशन था। ये जो लोग हैं ना ये हम जैसे नॉर्मल लोग नहीं है, हमारा जो जीन्स है हम इस दुनिया में सिर्फ 3,000 साल पुराना है। इनका जो जीन्स है ये 70,000 ईयर्स पुराना है। इन्होंने आज तक अभी तक आगे डिस्को नहीं करा, मेटल डिस्को नहीं करा, कपड़ा नहीं पहनते। ये सांप सुअर मेंढक मच्छी मगरमच्छ कछुआ ये सब कच्चा खाते हैं। ये जो लोग हैं ना ये देखने के लिए फुल्ली ब्लैकिश होते हैं, ये निगुलाइट ये ना मतलब अफ्रीका का लोग होते हैं ना फुल्ली ब्लैकिश वैसे लोग हैं। सिर्फ ये जो लोग हैं ना ये पूरे वर्ल्ड का एक माध्यम ऐसे लोग हैं जो आज तक किसी और कम्युनिकेटिव से कम्युनिकेट करे भी नहीं, और ये ना ही बाहर वालों को अंदर आने देते हैं। ये बाहर वालों को देखते ना बहुत क्रूअल हो जाते हैं। देखिए गवर्नमेंट भी इनसे इंटरेक्ट करने की जब भी कोशिश करते हैं ना वो सक्सेसफुल नहीं होते। हमारा गवर्नमेंट का जो टीम है वो हेलीकॉप्टर के थ्रू से उनके आइलैंड के ऊपर से ना बिस्किट के पैकेट कोकोनट वगैरह फेंकते हैं, लेकिन ये हेलीकॉप्टर को भी देख के तीर चला देते हैं। ये बाहर के लोगों को देखने में बहुत क्रूअल हो जाते हैं। इनका मेन रीज़न ये क्या बोलते हैं, ये सारे जो ट्राइबल्स हैं 18th century के टाइम पर जब ब्रिटिश अंडमान का आए थे उस ज़माने पर इन ये जहाँ जहाँ रहते थे ना वहाँ पे ब्रिटिशर को सूटेबल लगा वहाँ पे बस्ती बसाने का, तो ये पहले वहाँ रहने की वजह से उनको वहाँ से मार के भगाया गया। इस वजह से ये आज भी बाहर के लोगों को देखना बहुत क्रूअल हो जाए, इनका दिल में डर बैठ गया कि आज भी कोई आएगा ना बाहर से कोई मार के भगाएगा, इसीलिए ये बाहर के लोगों को देखना बहुत क्रूअल हो जाता है। देखिए ये सारे जो ट्राइबल्स में से शुरुआत के जो 4 टाइप के ट्राइबल्स हैं वो ब्लैकिश है, 2 टाइप के लोग गोरे होते हैं, मतलब एकदम ऑपोजिट है। ये जो लोग हैं जो गोरे में आपको होता है ना ये जैसे इंडिया पे अपने आसाम मणिपुर के जो उड़ीसा के लोग दिखते ना थोड़ा गोरा अलग थोड़ा जापान चाइना वाले लोग जैसे उनके जैसे लोग है। ये जो लोग है ये माइग्रेटेड ऑफ म्यांमार, अंडमान का सबसे नज़दीक पड़ता है बर्मा, वहाँ के लोग है। ये फुल्ली सिविलाइज लोग है, ये इतनी सिविलाइज है आज के टाइम पर इनका ग्रुप में डॉक्टर्स इंजीनियर्स भी और इवन मिल में भी बहुत सारे लोग काम करते हैं। हम अंडमान पर बहुत सारे जगह पर देख पाएंगे। इसके अलावा अंडमान पे अगर पॉपुलेशन देखेंगे ना, देखिए आज से 10 साल पहले तक हमारा पॉपुलेशन जो था वो करीब 4 लाख का पॉपुलेशन था, आज के टाइम पे हमारा जो पॉपुलेशन है वो अराउंड 6 लाख का पॉपुलेशन है। 10 लाख का बिलो पॉपुलेशन होने की वजह से यहाँ पे ना जनरल असेंबली पार्लियामेंट चीफ में सिलेक्शन वगैरह नहीं होते, क्योंकि 6 लाख लोगों के क्या इतना खर्चा क्या है चीफ में सिलेक्शन, इसलिए पूरे अंडमान को रिप्रेजेंट करने के लिए एक ही एक मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा। इसके अलावा ये एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं, जैसे सेक्रेटरी होते हैं ना
और यहाँ पे सबसे बड़ी होती है लेफ्टनर गाँव, और आपके होटल होटल जहाँ पे है ना उस एरिया वो कैपिटल है, वहाँ पे खाली म्यूनसिपल है, तो वहाँ पे खाली वार्ड काउंसिलर्स का इलेक्शन। इसके अलावा अंडमान के पॉपुलेशन पे 72% जो पॉपुलेशन है वो बंगाली पॉपुलेशन है। बंगाली पॉपुलेशन इसलिए ज़्यादा क्योंकि 1971 पे बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग कंट्री बना था 1971 पे। उस वक्त श्रीमती इंदिरा गांधी कांग्रेस के प्रेयर पर श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने अंडमान पे लेके आके उस रिफ्यूजी लोगों को सेटलमेंट किया, इसी ने अंडमान पे बंगालीज पॉपुलेशन ज़्यादा, और उन्होंने उस वक्त अंडमान पे आए थे, उनका वजह से अंडमान पे एक जगह का नाम पड़ा इंदिरा पॉइंट, वो इंडिया का सबसे ज़्यादा सदर्न मोस्ट पॉइंट। आपके अपोजिट साइड पर डॉल्फिन फिश आप देख रहे ना, आपको तो बात नहीं कर लेंगे, ये जो डॉल्फिन फिश आप देख रहे ना ये गोल्डन रियल डॉल्फिन फिश है, ये 6 महीने का बेबी है, ये 8 साल पहले अभी आप जहाँ जाते हैं ना एवलॉक, एवलॉक में फेमस बीच है राजानगर बीच, वहाँ पे ये बीच पे मतलब देखिए वहाँ पे ये भर के पड़ा था पक्षी शोध पे, वहाँ से हम इसको लेके आए, इसको पेड़ को कट के इसकी इनर को पोर्शन को रिमूव करके केमिकल डाल के स्टॉप कर दिया। नॉर्मली कोई भी डॉल्फिन इस तरह ब्लैक होता नहीं, वो होता क्या था वो तो बड़ा था, वो देख रहा था डॉल्फिन कलर पर होते हैं, ये मतलब आके इसको ऊपर हम ब्लैक कलर से करके इसको ब्लैक कलर पेंट कर दिया। इसके अलावा वहाँ पे वही गोल्डन रियल है वो 350 साल पुराना फिर आ गया था नेदरलैंड अंडमान पे। जब देखिए सबसे पहले यहाँ पे कोई था वो तो नेटिव थे आदिवासी, सबसे पहले बाहर से आया था वो थे डच, डच जब अंडमान पे आए उन्होंने बफेलो को उनकी कंट्री से उनको दूध पीने के लिए उनके साथ ले गया, यानी उन्होंने ये सोचा कि अंडमान पे दूध पीने का कोई स्रोत होगा ना होगा, इसलिए उनकी कंट्री से लेके आ गया था। अच्छा ये आज भी बिना डिकम्पोज हुए क्यों है, मतलब ये आज भी बिना सड़े हुए क्यों है, मतलब हमारे ह्यूमन बॉडी में देख लेते हैं हमारा हाथ हमारा बोन हमारा स्कल वगैरह ना, ये सारा जो चीज़ है वो कैल्शियम डिपोजिट्स में, जो चीज़ कैल्शियम डिपोजिट होता है वो ईजिली कभी डिकम्पोज नहीं होता, इसी वजह से जो चीज़ है कोरल्स वगैरह पर्ल आइटम जो है ना वो कभी सड़ता नहीं। देखिए अभी आप अंदर आके सब ये रेलवे ट्रैक आपको बताया था ना, वो रेलवे ट्रैक यहाँ पे क्यों बना, क्योंकि 1883 से लेकर 1991 तक हम उस ट्रैक में ना छोटा सा ट्रेन चलाते थे जिसको लोकोमोटिव ट्रैम होते हैं, जिसकी पर्पज था बड़े बड़े पेड़ों को काट के लॉक्स को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाने का, उसका इंजन आज भी है मैं आपको दिखाऊंगा। आज से 25-30 ईयर्स पहले तक हम म्यूजियम के बाहर थे, मतलब जहाँ से हम चल के आते थे वो सारे जगह पे एलिफेंट से काम करवाते हैं, ये उसकी पोर्टल था। ठीक है अभी जो गवर्नमेंट ने एलिफेंट से काम करना टोटली पूरी इंडिया पे बैन करा दिया, कुछ कुछ जगह पे म्यूजियम काम होते हैं लेकिन ये एनिमल क्रुएल्टी हो जाती है इसीलिए गवर्नमेंट इसको टोटली बंद करवा दिया। अच्छा देखिए ये अंडमान का एक वर्ड है उसको अंडमान वुड पिजन बोलते हैं, ये नॉर्मल पिजन से 2-3 times बड़ी होती है, और ये अंडमान पे ही दिखेगा स्टेट ट्री का नाम फडामी जो सबसे महंगा वाला पेड़ बता ना वो है, स्टेट एनिमल का नाम है डूगोंग, डूगोंग जो है डॉल्फिन जैसा दिखता है समुद्र के एकदम स्प्रेड में पाया जाता है, जिससे बहुत महंगा अस्थमा का दवाई बनता है, जब लोग इसको जाने लगे इसको ना अंटिंग कंडीशन को दे एक समय पर इसका पॉपुलेशन था अराउंड 22-23,000 का पॉपुलेशन था, अभी पूरे वर्ल्ड पे सिर्फ ये 17 पीस आएंगे, ये वर्ल्ड आईली इंडेजियस पीसेस है। देखिए हम जैसे इंसान जो है ना हम हर एक साल को बच्चा दे सकते हैं, ये जो है ना 7 साल में एक और बच्चा देगा और ये बच्चा मेच्योर होने के लिए 15 साल लगता है, इसलिए इसका बर्थ रेट भी बहुत स्लो है। और मैं आपको बताया ना फडॉक जो सबसे महंगा वाला पेड़ है अंडमान का, उसको बने में कुछ सामान आपको दिखाता हूँ, ये जो बाउंड्री से जो चेन का देख रहे हैं ना ये सारे फडॉक का बनवान करते हैं, फडॉक सबसे महंगा वाला बना है ना। देखिए अंडमान देखिए यहाँ पे अंदर के जितने सामान देख रहे हैं ये सारे फडॉक का बना है। यहाँ पे पूरे अंडमान का टूरिस्ट मैप गाइड बना हुआ है एंड रियली थैंक्स टू द गाइड जिन्होंने हमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन और हिस्ट्री का इंसाइट दिया फॉर दिस अंडमान चथम सॉमिल। उन्होंने डेवलप किया था तो उनके प्लेट पे 3 साल के लिए 1942
पीरियड में जापान वाले ने अंडमान को कैप्चर कर लिया था। तो जापान जब अंडमान पे कैप्चर कर लिया तो साथ साथ उन्होंने बर्मा, सिंगापुर, मलेशिया इसको भी कैप्चर कर लिया। तो इनसे वो जगह वापस लेने के लिए ब्रिटिश ने बात की, लेकिन हुआ नहीं था। तो दोनों उसमें एक वॉर हो गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ब्रिटिश ने पूरी अंडमान पे, सिर्फ और सिर्फ अंडमान पे उन्होंने 3 साल के पीरियड पे 400 बॉम्ब्स ड्रॉप किया। अपने जो ब्रिज से पाया था ना, ब्रिज गेट और ये संग्रहालय तो कितना भी खूबसूरत लेकिन 1883 का पहले पुराना बिल्डिंग था वो डैमेज होकर रीबिल्ड किया था। क्वेश्चन देखिए, जब ब्रिटिश बम्बार्डिंग करते थे तो कैसे बम्बार्डिंग करते थे, वो फ्लाइट के थ्रू वहाँ के बॉम्ब ड्रॉप करते थे। मान लीजिए फ्लाइट के थ्रू आते थे ना, वो फ्लाइट की आवाज़ सुनते उस जगह पे सायरन बजा देंगे, वो सायरन की आवाज़ सुनते हैं इसमें जितने भी लोग काम करते थे वो सारे लोग इसके अनुभव में खुल जाते थे। जो यहाँ पे लिखा है ग्रुप चार्टम मेमोरियल, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट एंड बहुत वैल्यूबल प्लेस है। इस जगह पे हम अंडमान पे आए वाले फर्स्ट इंडियंस को याद करते हैं, इस जगह पे हम श्रद्धांजलि देते हैं। अंडमान पे आए वाले फर्स्ट जो इंडियंस थे वो हम जैसे नॉर्मल लोग नहीं थे, वो थे पॉलिटिकल इंडियन फ्रीडम फाइटर्स। लेकिन वो ब्रिटिश ने उनको एज ए प्रिजनर्स यानी कैदी बनवा के अंडमान पे लेके आया। तो सबसे पहले जो लोग आए थे वो 200 लोगों का एक बैच था जिनको 10th मार्च के दिन ईयर 1858 पे अंडमान पे इस आइलैंड पे लेकर आए। इस आइलैंड पे क्यों? क्योंकि इस बिल्डिंग के पीछे ना शायद कुछ लोगों को दिखता होगा, मुझे फ्लैग वगैरह दिख रहा है एक वाइट कलर का छोटा सा पोर्शन होगा, वहाँ पे एक शिप खड़ा है, वो शिप पे। तो इस बिल्डिंग के पीछे एक शिप खड़ी है, वो अंडमान का सबसे पहला पोर्ट वहाँ होने की वजह से, पहले कोई भी शिप के थ्रू से कहीं से जाने से ना, इस पोर्ट यहाँ होने की वजह से, अंडमान का पहला पोर्ट यहाँ होने की वजह से कोई भी कहीं से आने से यहीं आके उतरना पड़ता था। और वो जो 200 लोग सबसे पहले आए थे ना, उनको पहले बार इस आइलैंड पे लेके आए थे। और वो जो 200 लोग थे वो 1857 की रिवॉल्ट के लोग, 1857 पे सिपाही म्यूटिनी बोल के वॉर होता फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम पे। सबसे पहले मंगल पांडे जी ने शुरुआत किया था। मंगल पांडे जी को उनको वहीं फांसी दिया गया था, उनके जो रेजिमेंट है उनमें से 200 लोगों को लेके आए। वही 200 लोगों ने पूरे मिल को 13 ईयर्स के पीरियड में बनवा दिया। ये मिल बनाना कोई छोटी बात बिल्कुल नहीं है। हम जहाँ पे खड़े हैं ना, ये मैन मेड एरिया, ठीक, ये सारे जो एरिया ना, ये हमने मैनुअली डेवलप किया वाले एरिया, पहले ये एरिया ऐसा नहीं था। आपके ऑपोजिट में फॉरेस्ट एरिया दिख रहा है, अंडमान पे नीचे एवरी आइलैंड, कोई भी आइलैंड इस तरीका का होती है। लाखों करोड़ों रुपये का ये माउंटेन जैसा एरिया था, लाखों करोड़ों पेड़ को काट के लैंड को लेवल करके इस मिल को बनवाने के लिए उन्होंने 13 ईयर सेक्रीफाइस किया। उन्होंने कितनी स्ट्रगल, कितने अरेस्टमेंट, कितने टॉर्चर अपनी लाइफ में दिए, उनको कभी भूलना नहीं चाहिए उन्होंने कितना कुर्बानी की। तो इसीलिए उनको याद करते हैं, इस जगह पर हम श्रद्धांजलि देते हैं। हम एक 2 मिनट यहाँ पर खड़ा होकर श्रद्धांजलि देते हैं वहाँ के बच्चे। जो बीम है, जो कॉलम्स है, जो ट्रेसेस, जो स्ट्रक्चर्स देख रहे ना, ये पूरा का पूरा जो बिल्डिंग है, ये अभी आपको एक 200 फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बताता था ना, 200 फ्रीडम फाइटर्स जिनको हम श्रद्धांजलि देते हुए हैं। वो 200 फ्रीडम फाइटर्स ने 13 इयर्स के पीरियड पे पडॉक की जाट से बनाए वाले बिल्डिंग से, ये बिल्डिंग, ये जो बिल्डिंग और उस सामने जो बिल्डिंग आपको दिखाने वाला हूँ, ये दो बिल्डिंग का 1883 में बनाया गया था। इसी तरह सेम साइज में, सेम साइज में 23 बिल्डिंग का 1883 के टाइम पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे आके 21 डैमेज हो गया। ये पूरा 1883 का 200 इंडियन फीट पर पडॉक के जैसा बनाया स्ट्रक्चर, ये खाली वेयर हाउस है। एक्चुअल जो मिल वो वहाँ पे होता, मैं आपको दिखाऊँ। चलिए, यहाँ पे है ना, ये एक्चुअल मिल है। इनके उनका क्या होगा, जितने भी जो लॉक्स हैं उसको साइजेस के हिसाब से हम कटिंग करते हैं, यही होगा ना, पेड़ को यहाँ पे कटिंग करेंगे, लॉक्स को कटिंग करते हैं। लेकिन लॉक्स को कटिंग करने के पहले मिशन पे हम वो जो कॉन्क्रीट का बाउंड्री देखा, कॉन्क्रीट उसकी एरिया के अंदर डेज के लिए हम लॉक्स को यानी कटा वाला पेड़ों को 15 दिन तक भिगो के रखते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं सीजनिंग, क्योंकि उसको 15 दिन तक मर जाते हैं। उसके बाद ही कटिंग करने के लिए समुद्र के पानी से पेड़ को टांग के लेके आते हैं मशीन तक। मिशन पहला मिशन यहाँ पे, यहाँ तक आपको लेके आना पड़ता है। तो यहाँ तक हम कैसे लेके आते हैं, ये जो केबल है ये डायरेक्ट सी वाटर पे जाएगा, वहाँ से ट्रेन को बांधा करते हैं। उसके बाद ये केबल वहाँ पे एक मिशन पे कनेक्ट होगा, वहाँ पे एक मोटर दिख रहा है वो ऑपरेट ट्रेन का था, वहाँ पे एक ऑपरेटर थ्रू ऑटोमेटिक पेड़ को तान के लेके आता है। लेकिन 1883 के टाइम पे ऐसा कुछ मशीन ही नहीं था। तब हम क्या करते थे, तब हमारे जो इंडियन फ्रीडम फाइटर्स इसमें से जो काम करते थे वो सारे जो लोग थे, पहले ऐसा मशीन नहीं होने के समय पे, ये जो ब्लैक कलर का मशीन देख रहे हो आपको यहाँ पे, ये जो ब्लैक कलर का पुलिस जैसा मशीन है, तो
उसके थ्रू मैनुअली पुल करके गया था। तो सोचिए उस जमाने पर जो हमारे इंडियन बिजनेस को ना सिर्फ पानी तक नहीं देते थे, पानी का टिकट हम नहीं मिलता, उस टाइम पर पानी का बहुत क्राइसिस हुआ करता था। ठीक है, आज के टाइम पे क्या होगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके हम डैम के थ्रू निकलते हैं, पानी की बहुत क्वान्टिटी ज़्यादा है, लेकिन पहले टाइम पर हमारे पानी का भी बहुत क्राइसिस हुआ करता था। तब अंदमान के डैम में सब वेल वाटर देते हैं, तब एक एक बिजनेस को दो मग के पानी में था, आज ही उसको 7 to 8 एम एल के पानी में पूरा दिन चलाने और उनको खाने का सिर्फ और सिर्फ बॉल राइस दाल और चपाती बनती और वो भी ठीक से नहीं होती। तो देखिए हम कभी इमेजिन ही कर सकते इससे तान तान के लेके ना, तो छोटी बात नहीं है, ये तो छोटा पेड़ है, पड़ाव का टाइम ज़्यादा होगा ना, क्योंकि फिर रीजन रीजन वाटर वो तो 5 days और एरियर होगा ना, तो सोचे होंगे उस जमाने का फिर कैसा, अगर वो नीचे करते नहीं तो उनको अंडर से मारते। देखिए ये सारे जो पिलर्स आपको कैसा लग रहा है, आपको आपके पीछे का जो पिलर्स है ये कॉन्क्रीट लग रहा था, अंदर सीमेंट से बनाता था, बट ये सारी चीज फडॉक ब्रिक का बना है। इवन ये सारे जो चीज है, ये सारे जो पिलर्स है ना, ये फडॉक ब्रिक का बना है। और इस तरह आप चथम सॉमिल को पूरी तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हो। फॉर बेटर एक्सपीरियंस एंड ऑल द हिस्ट्री रिलेटेड टू दिस चथम सॉमिल, मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप भी एक गाइड को हायर करिए। चथम सॉमिल इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स जो हमें प्रूफ देता है कि इंडियन फ्रीडम फाइटर्स ने हमारे फ्रीडम के लिए कितनी मेहनत की है और कितना स्ट्रगल किया था। तब हमारा पास वो इंजन नहीं था, इंजन की जगह पे हमारा इंडियन फ्रीडम फाइटर्स और बटालियन का ग्रुप धक्का देखिए ट्रैक में बाग बाग के लेके जाएगा। वो उसका बारे में पूरा डिटेल ना, वहाँ पे एक पैरा लाइन में वो जो सिल्वर का बोर्ड दिख रहा है उस बोर्ड पे पैरा लाइन में लिखा होगा। लेकिन पहले से टाइम पे सोचिए इंडियन फ्रीडम फाइटर्स ने कितनी स्ट्रगल, कितने हरेसमेंट उन्होंने देखा था। देखिए इस मिल पे ना 2004 से पहले तक पेड़ काटते थे और बाहर कंट्री पे एक्सपोर्ट करते थे, 2004 के बाद पेड़ काटते थे, जो पेड़ नेचुरली गिर जाते हैं जंगलों पे, उसको कभी लेके आते काट के अंडमान लोगों को स्ट्रक्चरल ट्रेनिंग देने के लिए और प्लस अंडमान लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए चला। हमारा मोटिव सिर्फ और सिर्फ अंडमान डेवलपमेंट और एक नेशनल हेरिटेज है। ठीक है, हमारे एक साल से ना पहले 4,05,20 हम काटते थे, एक साल से 4,00,000 पेड़ काटते थे, 10 साल कितना हुआ 40 काटते, 100 साल में 4 करोड़ पेड़ कम काटते। ठीक, आप नया प्लांटेशन भी करते हैं, मान लीजिए कैप्चरिंग के थ्रू आप नया प्लांटेशन भी करते हैं ना, वो पेड़ मैच्योर होने का 40-50 ईयर्स मनते हैं ना, 20 साल तो मनते हैं मैच्योर होने के, वो 30 साल में सिर्फ आप 1-2 करोड़ पेड़ आप काट देंगे तो क्या होगा, एक ना एक दिन डिफॉरेस्टेशन होगा, किसी को अवॉइड करने के लिए पूरी इंडिया के पेड़ काटते हैं। इंडिया पे अभी हम मान लीजिए अदर स्टेट्स में ना 90% जो हमारा प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं ना, वो बर्मा का टीकूड होती है, मलेशिया का टीकूड होता है, ऑस्ट्रेलिया का होता है, कभी इंडिया को बहुत कम टिम्बर, इंडिया ने बहुत 90% जो प्रोडक्ट्स है वो बाहर कंट्री से रहते हैं। अंडमान पे लोग बहुत कम रहते हैं, यहाँ पे जो गिरा वाला पेड़ वो सफिशियंट रहते हैं यहाँ के लोगों को देखने के लिए। चथम सॉमिल से निकल के हम पहुँच रहे हैं पोर्ट ब्लेयर जेटी, यहाँ से हम चेक इन करके हमारी हैवलॉक क्रूज को बोर्ड करेंगे। तो दोस्तों इन द नेक्स्ट वीडियो हम आपको दिखाएंगे हैवलॉक आइलैंड और वहाँ पे जाके हम दिखाएंगे बहुत ही शानदार सनसेट एट राधानगर बीच। तो देखना बिल्कुल ना भूलिए हमारा नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून, होप यू गाइस लव द वीडियो।